मम्मी मैं शूट कर रहा हूँ अभी, इधर मत आना, ठीक है? अच्छा तो बेसिकली ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आई होप यू गाइस वॉच इट टिल द एंड। ऑल्सो मैं इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखूंगा इस बार। बेसिकली तुम लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग देम। दिस इज माय फर्स्ट क्यू एंड ए वीडियो, वेरी एक्साइटेड। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑलरेडी, इससे पहले कि मैं बोलना भूल जाऊं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू डू बिफोर इंस्टाग्राम कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग? तो बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन, and while I was graduating, I got an internship at Men's XP, और बस उसके बाद से I used to write articles for them, I used to write video scripts for them, and then धीरे 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 they opened their own video division and I became an actor slash content creator. How were you as a child? You know, हर क्लास में वो एक बच्चा होता है जो बहुत पॉपुलर होता है, सबसे लंबा होता है, सबसे गुड लुकिंग होता है, और सारी लड़कियाँ उसके पीछे होती हैं, and you know, like he is the charmer, he has many friends, all the teachers love him. मैं उसका opposite था. So basically, I was a very timid and shy kid, and I remember कि मैं थोड़ा पागल था as a बच्चा, I think अभी भी हूँ। हंसी नहीं रुकती थी, तो अगर क्लास में किसी ने मेरे साथ बैठे बैठे कोई जोक मार दिया, then I will keep laughing throughout those 30-40 minutes, और मुझसे नहीं रुका जाता था। ये प्रॉब्लम वैसे अभी भी है मेरी। And as a kid, I had like really big eyes, and I wouldn't blink too much. मैं अभी भी बहुत कम blink करता हूँ, and that freaked a lot of people out. In fact, my dad used to keep telling me, तू मुझे आंखें दिखा के बात मत कर। I was like, पापा मेरी शक्ल ऐसी है, मैं क्या करूँ? Your favorite food? My favorite food has to be South Indian. मैं दिन में तीनों टाइम South Indian खाना खा सकता हूँ. I love South Indian food. How did you join Men's XP? So in the interview, my boss Namrata asked me to write an article as a sample. और मैंने लिखा था 5 reasons why you should not watch Poonam Pandey's Nasha, because the last night I was watching Poonam Pandey's Nasha. Apparently the article was very funny and she loved it. And I got hired. Last time you cried and why? I think I'm a crier. मैं बहुत इजिली रो जाता हूँ, हर दूसरे शो में, हर दूसरी मूवी में मैं रोता रहता हूँ। लास्ट टाइम आई क्राइड वॉज अभी कल परसों, मैं कार्डियो कर रहा था, एंड देन आई हैड दिस विजुअल कि एक दिन मैं एक बॉलीवुड मूवी में होऊंगा, एंड पीपल ऑन इंस्टाग्राम विल बी टैगिंग मी इन स्टोरीज, एंड दे'ल बी, यू नो, दे'ल बी सेइंग कि ओ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू अंकुश, एंड दिस एंड दैट, एंड दैट मेड मी सो इमोशनल, लाइक इन अ स्प्लिट सेकेंड आई गॉट टीयरी आईड, एंड देन आई वाज लाइक, अबे स्क्वाट्स कर। When was your first kiss and how awkward? ये खाने में क्या बना है? दाल बनी और सब्जी बनी है। पंकज का आइडिया कैसे आया? यार ऑनेस्टली पंकज का आइडिया ऐसे आया था कि पहला हमने एक वीडियो किया टाइप्स ऑफ स्मोकर्स, और उसमें हमें कंजूस कैरेक्टर चाहिए था, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग इन दिस नेजल टोन, एंड दैट वीडियो बिकेम अ हिट, एंड देन अपूर्वा एंड आई सैट टुगेदर एंड वी वर लाइक, इसका एक कैरेक्टर बना देते हैं, कंजूस कैरेक्टर। यू नो, लोगों की किस बात पे मजाक उड़ाया जाता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, वो गुड लुकिंग नहीं है, उनके बाल फनी है, दे टॉक इन अ नेजल वॉइस, व्हाटएवर। सो वी डिसाइडेड कि पंकज विल बी ऑल ऑफ दिस, and he will still be the most confident person that you know. It means that you don't really have to change yourself to love yourself, and you can love yourself the way you are. And that is how the dialogue came into being, ki main kisi ki judgmentings ka fuck nahi deta. What gave you the courage to stand out from the larger male audience and truly support feminism? Yaar, honestly, if you don't believe in equality, then what do you really believe in life? Matlab, ye to bare minimum hai. I've been brought up by 3 fierce women while growing up. Matlab, my mother and my 2 sisters, my 2 elder sisters. I've been brought up with that conditioning to, you know, to treat women as equals. And I'm not saying that I'm perfect. A lot of times I also may end up saying something sexist. But I'm surrounded by women who are so opinionated and strong-headed that they will call me out on it, and they will not just call me out on it, they will also educate me and make me understand what I'm doing wrong. So I think it's a constant process of learning, and I think I'm just, you know, there are so many incredible women around me, like my boss, my co-stars, my mother, my sisters, my friends. So I mean, there is literally no reason why I wouldn't believe in women being equal. Who is your favorite person to collaborate with? My favorite person to collaborate with has to be Shivani. Ek baat bata par Pankaj, tu phak kahe nahi leta hai? Tera kyun nahi lai phak kisi ne? I think mujhe set pe itni hansi aur kisi ke sath nahi aati jitni mere ko Shivani ke sath aati hai. Also we go long back, like hum log 3-4 saal se sath mein videos kar rahe hain. Every time I do videos with her, I realize that she brings out like the madness in me. How do you manage to reply to so many of your DMs? Not many creators do that. I don't know, not many creators do that. Maybe because they don't have the time, maybe because
I don't know, I can't talk about anyone else, but and I genuinely enjoy interacting with people. I think I'm, as a person, I'm a very approachable person. I'm not some chukuri. One thing you could change about yourself. There's a lot that I would want to change about myself. I think the first is underconfidence. I'm very underconfident too. Like in terms of decision-making skills, my decision-making skills are zero. Do you have that special someone in your life? Right now, रोज जमुना पार से गुड़गांव कैब में जाने में कितना लगता है? अबे लगते तो बहुत पैसे हैं, लेकिन वो छोड़ो, मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से कोई मयूर विहार से गुड़गांव जाने को राजी नहीं है कोई कैब ड्राइवर. सबके सब कैंसिल करते रहते हैं रोज सुबह उठ के. तो पहले तुम 10 कैब बुक करो, फिर उनपे मन्नत करो कि भैया चलो चलो चलो, तब भी वो नहीं मानते. प्रॉब्लम एक थोड़ी लाइफ में. व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? I think my biggest fear is that I will end up alone. Do you sometimes feel insecure being in the highly competitive influencers industry? Every day, I need to up my game and all of that. So yeah, it's not very healthy, but I'm just being honest. What has been the most difficult obstacle on your journey so far? The difficult part has constantly been to work every day and not really expect too many returns because this is a very unpredictable field. तुम ओवरनाइट भी वायरल हो सकते हो, तुम सालों साल भी वायरल नहीं हो सकते हो. सो आई थिंक दैट्स बीन लाइक रीचिंग टिल हियर हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट यार. व्हाट वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू फेल्ट दैट यू हैड मेड योर पेरेंट्स प्राउड? हम लोग मॉल में जा रहे थे, मैं, मम्मी, पापा एंड दीज टू गर्ल्स वर जस्ट पासिंग बाय एंड दे वर दे स्टार्ट विस्परिंग, ओ ये अंकुश है, ये अंकुश है, ये अंकुश है. एंड माय डैड हर्ड इट एंड माय डैड इज विस्परिंग इट टू माय मॉम्स ईयर. वो पूछ रही है अंकुश है, ये अंकुश है. एंड आई वाज लाइक they're right here, please ऐसे मत बोलो. But I think that was a moment when I realized that they were feeling proud. Let's ask मम्मी. मम्मी, मैंने आपको कभी proud feel कराया है? तो अपनी पेट यहाँ से रसोई तक ले जाएगा, तो जी उसे भी proud feel हो जाएगा. यार मम्मी, मैं video shoot करूँ. If your life was a Bollywood movie, what would you name it? बेटा धनिया लिया. The most embarrassing story of your life. I've had too many embarrassing stories in life. My life has been an embarrassment. Okay, so here's what happens. I am coming back home from college and me and my friend are the only two people left in the bus. Kyunki hum end mein utarte the. So we're coming to East Delhi and we're stuck at Nizamuddin. Aur bahut ganda jam laga hua hai. And we're talking. And we're kind of having a moment. And suddenly I feel like I have to poop. Mujhe bahut zor se potty aati hai. Aur bahut zor se matlab बहुत ज्यादा जोर से. एंड मेरा घर पास में है, लेकिन लाइक इट्स स्टिल एटलीस्ट 5 kilometers अवे. एंड वो जाम, मतलब वो हिलने को रेडी नहीं है. एंड दैट फ्रेंड इज टॉकिंग टू मी एंड आई एम लाइक या एंड यू नो लाइक आई कांट, एवरीथिंग इज ब्लर्ड अराउंड मी बिकॉज पॉटी आ रही है और कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का. मतलब कहाँ पब्लिक टॉयलेट्स हो, कहाँ ही है इस एरिया में. तो and then I'm constantly looking out of the window ki traffic chal ke nahi raha. And then there came a point where I was like, I'm going to shit my pants. This is serious, like I have to leave. So she's talking to me. And then suddenly I get up, main apna bag uthata hu and like, I'm sorry, I have to leave. And then I just run out of the bus. And she's just sitting there clueless, what the fuck? And then I'm running on the road. I'm literally running on the road looking for an auto and there is no auto. And then I run for like about 1.5 kilometers and I'm like, I'm desperate. I'm like, mujhe potty karni hai, abhi ke abhi karni hai. And then I find an auto and the auto wala is not ready to go to Mayur Vihar. I told him, bhaiya, 200 rupees le lo, 250 rupees le lo, bas mujhe ghar chhod do, meri tatti nikalne wali hai. So wo mere ko bithata hai and he takes like 300 bucks to get me home. And then I finally reach home and I ran to the toilet and whatever happened. And that friend in the meanwhile is just sitting there wondering, मैंने ऐसा क्या बोला इसको कि उठ के भाग गया. And I didn't know what to say, like मैं उसे क्या बताऊँ. And then after some weeks I told her, listen, this is what happened, मुझे पॉटी आ रही थी. And then she's like, oh, I kept wondering ki tere ko suddenly kya ho gaya, did I piss you off, did I say something wrong. What would be your superpower? Kali zaban. The worst thing that happened to you being the youngest in the family?
द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज कि मेरे को दिन में 10 बार मार्केट भगाया जाता था रामू काका की तरह, कि ब्रेड ले आ, दही ले आ, ये ले आ, वो ले आ। एक बार में नहीं बताएंगे, एक चीज लेके आऊंगा फिर बोलेंगे दो और चीज लेके आ, और मतलब मेरी से गर्मियों की तपती हुई धूप में मैं एक एक आम पापड़ लेने के लिए भागा। द जोक दैट क्रैक्स यू अप लाइक नथिंग एल्स कैन। ओके, आई एम गोना से दिस जोक, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू विल फाइंड इट फनी, बट आई फाइंड इट हिलेरियस। सो द जोक इज बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन सोहा अली खान एंड सैफ अली खान। आई एम ऑलरेडी लाफिंग। एनीवे, सोहा सेज, पोहा कौन सी सॉस के साथ खाओगे? सैफ, सोहा पोहा और सोया सोफा पे दे दे। सोहा क्या? सैफ, सोया पोफा और सोफा फोसा दे पे पे। How's it like being famous now? I don't think I'm famous, but I know what you mean. I mean, sometimes if I go out, sometimes people do recognize me, and it's a great feeling. I really like it. I think, I don't know, it's a very special feeling when you've grown up wanting to be something, and then you're not that yet, but you're something, and people know you. So that's a great feeling. I genuinely love it. It's very thrilling. अगर आप 24 घंटे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फॉर यू इट्स जस्ट नंबर्स, बट व्हेन दीस पीपल कम एंड टॉक टू यू, दैट मींस दैट यू नो दे आर रियल पीपल हु आर फॉलोइंग यू। सो इट्स इट फील्स ग्रेट। क्या शूट कर रहा है वो? क्यों नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब के लिए एक वीडियो है। अच्छा, वो गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात हो रही थी? आप सुन रहे हो क्या? आप अंदर से, आप अंदर जाना, मैं शूट कर रहा हूँ। अरे सुन क्या रही हो, अंदर तक तेरी आवाज आ रही है, हम बेवकूफ है कोई? अभी मम्मी रोल कर रहा हूँ मैं, अभी पूरे घर में कर्फ्यू लगा दो बस।